खुदावंद मसीह के जलाली और बार बार नाम में आपको नए गिर का सलाम पहुंचे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आज अपने भाई के स्टूडियो में आके और उन्होंने जो हमारी खिदमत की है इसके लिए मैं नहाय शुक्रगुजार हूं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब पास्टर साहब अपना अच्छा काम जो है जो उन्होंने किया होता है वो हमें सुनाते हैं और बड़ी हमें बरकत भी हासिल होती है और खुशी भी होती है कि उन्होंने बड़े कलील अरसे में इस काम को जो कि मैं समझता हूँ वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्क ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का मुश्किल कामों में से एक काम है म्यूज़िक को समझना म्यूज़िक को बनाना ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और कहने वाले कहते हैं कि इस काम को समझने के लिए उम्रें दरकार हैं। तो बड़ा शुक्र हो खुदावंद का बड़ा फजल है हमारे भाई पे कि वो बड़ा अच्छा इस काम को समझते हैं रागदारी को समझते हैं और हर तरह का म्यूज़िक जो है वो बनाना जानते हैं और इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र है। हम जहाँ तक उनकी रहनुमाई कर सकते हम ज़रूर करते हैं और करते भी रहेंगे और खुदावंद का शुक्र हो कि जितना यानी कि उन्होंने इस कलील अरसे में उन्होंने सीख के लोगों की खिदमत करना स्टार्ट किया है तो खुदावंद ज़रूर इसका अजर देगा क्योंकि कलाम भी कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यकीनन हमारे जो भाई हैं वो खुदावंद को भी देते हैं और लोगों को उस दिए हुए में से देते हैं और खिदमत करते हैं और उस काम को खिदमत समझ के करते हैं। उन्होंने कभी इस काम को रुपए पैसे के लिए या दुनियावी असूलों के लिए या समझने के जस्ट फॉर द टेकिंग फाइनेंस फ्रॉम द अदर पीपल इस तरह से नहीं उन्होंने उसको सोचा कभी भी। और यही वजह है कि खुदावंद उनको दिन ब दिन सरफराज कर रहा है और खुदावंद जो है वो अपने लोगों को कभी भी निराश नहीं करता और खुदावंद अपना जो है कर्ज नहीं रखता किसी को। तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए। अब चूंकि मैं आज कराची जा रहा हूं तो ज़रूर मैं इनके पास एक दिन और रुकता क्योंकि हमेशा मैं पास्टर साहब के पास ही रुकता हूं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने इस ख़ानदान का। जब मैं आया हूं इस घर के अंदर तो सब ने इस्तकबाल किया बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने हमारी ज़ियाफ़त की। छोटे बच्चे का जॉन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मुझे बड़ा खुशी होती है कि जब वो चूँकि बच्चा है सीख रहा है वो काम और आगे चल के तो हमारे पास्टर साहब का वो राइट हैंड बनेगा और मैं दुआ करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके के साथ इस मिशन को लेके चले। और वो कि वो बहुत छोटा है अभी बच्चा मगर ये कि फिर भी वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और खुसूसन मैं इस चीज़ को भी मद्देनजर रखूँ कि खुदा के फजल से पास्टर साहब ने जो अपने बच्चों की तरबियत की है वो बहुत आला है और खुदा उनका शुक्र है कि बच्चे उनके जो फल दे रहे हैं वो बहुत एक उम्दा चीज़ है हमारे ख़ानदान के लिए। तो शुक्रगुजार हूँ और आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि आप हमेशा फेथफुल स्टूडियो को अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।